अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के सरहिंद नहर में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को नहर के पास बच्चे नहा रहे थे, इसी बीच एक बच्चा नहाते हुए नहर में डूब गया। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ ने बच्चे को ढूंढ रही है। जी सर, मैं पंकज, मैनेजर काली माता मंदिर जस्सी बागाड़ी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मंदिर पूरी तरह से खुल चुका है और नवरात्रों का प्रोग्राम बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी भगत जन सुबह शाम चौकी भरने आते हैं और इससे नवरात्रों के बाद अष्टमी पे लंगर लगाया जाएगा और जागरण भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी, ये पवित्र और सिद्ध स्थान है। ये जस्सी बाग वाली काली माता जी का मंदिर है। ये प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आज सुबह माता का स्नान कराया गया, माता का चूल्हा बनाया गया और माता का 16 श्रृंगार सपोर्ट श्रृंगार किया गया। उसके बाद चांदी की 9 अखंड ज्योतें जगाई गई। उसके बाद श्रद्धा से आरती की गई। उसके बाद लगातार भक्त मत्था टेकने आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, प्रसाद लगा के यहाँ से मत्था टेक के माता का दरबार लेके जा रहे हैं। और आगे भी इसी तरह रोज 9 दिन भक्त आएंगे और चौकी भी लगेगी, मत्था टेक के जाया करेंगे और पूजा अर्चना सुबह शाम आरती ये रूटीन में प्रतिदिन कार्य चलता रहेगा। और अष्टमी के दिन जो हमारे यहाँ 23 तारीख को मनाई जाएगी, जो सुबह 7 बजे लग जाएगी, इसलिए हमारे अष्टमी 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। यहाँ पर अब की बार लॉकडाउन के बाद जगराता भी होगा, भक्तों का रस भी होगा और पूरी रात जागरण चलेगा जिसमें तारानी की कथा और भेंटे आदि गाई जाएंगी। गिद्दड़ बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।